हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह एंड इन टुडे वीडियो वी विल नो हाउ टू मेक ए लेसन प्लान इन कॉमर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कॉमर्स में पाठ योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना, उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम, उसके बाद आप लिखते हो दिनांक, उसके बाद आप लिखते हो विषय, उसके बाद आप लिखते हो चक्र, उसके बाद आप लिखते हो कक्षा, उसके बाद आप लिखते हो उप विषय, उसके बाद आप लिखते हो अवधि, उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे प्रकरण हमारा है ई कॉमर्स। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम विषय का इंडेक्स भी बोलते हैं, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री भी कहते हैं। ये तो हुआ हमारा विषय का इंडेक्स। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री, उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान, उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हो, उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन, उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आप व्याख्या करते हो, जिसके लिए आप चार कॉलम बनाओगे। पहला तो शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाओगे, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम बनाओगे, तीसरा छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम बनाओगे, चौथा और लास्ट कॉलम श्यामपट कार्य का कॉलम बनाओगे। उसके बाद व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए तीन कॉलम बनाएंगे। पहला तो बोधात्मक प्रश्न का कॉलम बनाएंगे, दूसरा जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से उसी सारे प्रोसेस को दोहराते हैं। आप फिर से चार कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम तो आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट कार्य का कॉलम। उसके बाद आप छात्रों से व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से फिर से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए आप तीन कॉलम बनाते हैं, पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न छात्रों से करने के बाद आप छात्रों को गृह कार्य देते हो, गृह कार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो बच्चों आप सभी ई कॉमर्स के बारे में अच्छे से पढ़ कर आइएगा, इस तरह से आप छात्रों को गृह कार्य दे सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट करके लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। मैंने इस पाठ योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे मैंने इस पाठ योजना की दो लिंक दे रखी है। इस पाठ योजना को एक्सप्लेन करके स्टेप टू स्टेप मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, उस लिंक को डाउनलोड करके आप इस पाठ योजना को अच्छे से देख सकते हो। और इस पाठ योजना के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी, या आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। मैंने इस पाठ योजना के डिस्क्रिप्शन में कॉमर्स की 20 पाठ योजना की लिंक दे रखी है, आप वहां से इस पाठ योजना के 20 इस कॉमर्स के 20 पाठ योजना के लिंक को ओपन करके कॉमर्स की 20 पाठ योजना देख सकते हो। और आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर watching and subscribe my channel।